शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब से आए दिन हो रही मौत के मामले पर विपक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। दरअसल वैशाली के बसौली गांव में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हो जाने के बाद विपक्ष ने शराबबंदी को फेल बताया है। आरजेडी विधायक एजिया यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने और वोट बैंक के लिए शराबबंदी कानून लागू किया था। ये सब शायद मुख्यमंत्री के द्वारा यूं ही बनाया हुआ एक नियम था अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, वोट बैंक बढ़ाने के लिए। ना ये इसको कानून की तरह कानून सही तरीके से इसको लागू नहीं कर पाए हैं। मौतें तो दूर, बहुत लोग अपने घर में शराब मंगा के पी रहे हैं। मीडिया के माध्यम से खुलासे हो रहे हैं कि किस तरह शराब खुलेआम बिक रहा है। और ऐसा नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री जी या जो कानून की रखवाली करते हैं वो उनको ये सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनको पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन है। और अब शायद वो भी ढीले बन गए हैं कि किसी तरह कुछ रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, कुछ रेवेन्यू मिल रहा होगा। वही कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष कौकब कादरी ने कहा कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रशासन पर पकड़ कमजोर हुई है। के सासाराम में भी जो घटना हुई दुखद है, ये कल की जो घटना है ये भी दुखद है। और इसमें लोगों की जान चली जाए जहरीली शराब पीने से, कहीं ना कहीं इस बात को उजागर करता है कि सरकार का लुंजपुंज रवैया है। वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के प्रवक्ता अजय यादव ने कहा कि जहरीली शराब से मौत के मामले की जांच कराकर सजा दिलाई जाएगी। शराबबंदी को अक्षरशः लागू करने के लिए सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून को पालन करने का कराने का जिम्मेवारी अबकारी विभाग की है। कहीं ना कहीं फेलियर हुआ है जिसके चलते स्थानीय स्तर पर लोग शराब बना रहे हैं और मिथाइल अल्कोहल कब इथाइल अल्कोहल में बदल जा रहा है इसकी जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से इस पर गहन छानबीन हो और सरकार करेगी भी, और जितने लोगों की मौतों ही हैं उन मौतों पर निश्चित रूप से जो बेचने वाले लोग हैं उनको सजा दिलाएगी। और जो शराबबंदी को सीएम नीतीश कुमार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं, लेकिन जिस तरह से जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है इससे सरकार के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। शनि काम बनाएंगे या बिगाड़ेंगे? गुरु किसका भाग्य संवारेंगे? कैसा रहेगा राहु का गोचर? मंगल से किसे लगेगी ठोकर? मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।